हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जो IT 939 कट ऑफ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइपिंग के लिए जो आपकी कट ऑफ रह सकती है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो है इसमें हमारे मेन पॉइंट्स कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपकी अलग अलग कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी टाइपिंग के लिए कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। उसके अलावा दोस्तों, वीडियो के एंड तक आपको ये चीज़ भी पता लग जाएगी कि 50 नंबर वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको आगे क्या करना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, यहां पे कहा जा रहा है कि जो 817 का रिजल्ट है उसका भी 939 की जो कट ऑफ है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं कि 817 के कितने ऐसे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो कि 939 में भी शामिल हुए हैं और उनका जो एग्जाम है वो अच्छा हुआ है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ उनका तो नेचुरल सी बात है कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर जो मेन बात आ जाती है, ऐसे कैंडिडेट जो कि शॉर्टलिस्टेड भी हुए हैं 817 में और उनका जो एग्जाम है वो अच्छा भी हुआ है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहे। तो यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे JOIT 817 वाले कैंडिडेट्स हैं, ऐसे कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नंबर आ गया है, उनमें से 939 में कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका एग्जाम भी अच्छा हुआ है। तो यहां पे दोस्तों टोटल 4000 के करीब जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो 817 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में सेलेक्ट किए गए हैं। तो उनमें से दोस्तों 12% जो कैंडिडेट्स हैं वो ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि हमारा 939 का जो एग्ज़ाम है वो भी अच्छा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो मेन चीज़ है यही है कि अगर उनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, अब अगर अब मान लो 817 के किसी कैंडिडेट्स के 30 नंबर है तो उसका यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं पड़ेगा। हमें क्या चाहिए, सिर्फ ऐसे कैंडिडेट जिनका यहाँ पर जो 939 एग्ज़ाम है अच्छा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 4000 में से जो 12% कैंडिडेट्स हैं उनके अच्छे नंबर बन रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि ये जो 12% है वो 480 निकलेगा। तो आप यहाँ से खुद अनुमान लगा लीजिए कि जो 817 वाले कैंडिडेट्स हैं उनमें सिर्फ 480 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका JOIT 939 का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये आपका ये जो JOIT 939 का एग्ज़ाम था उसको मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं 1,00,000 से ज़्यादा ने भरा था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है। और दोस्तों अभी मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ। हमेशा क्या होता है, जब भी हमारा कोई रिज़ल्ट निकलता है तो उसमें जो 50% कैंडिडेट्स हैं वो तो ऐसे रहते हैं जिनका कि जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई भी नहीं होता है। तो आपने यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस, यहाँ पे ये जो चीज़ है माइंड में रखनी है कि 50% कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं जिनका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई नहीं होता है। उसके अलावा दोस्तों, जो आपके बाकी कैंडिडेट्स बचे, कितने बचे, 50%, उनमें से 20 या 25% ऐसे कैंडिडेट्स रहते हैं जिनके जो नंबर है वो बॉर्डर लाइन पे ही रहते हैं। मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनके 45 नंबर आ रहे हैं, 46 आ रहे हैं, ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं वो भी 25 रहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि 75% जो कैंडिडेट्स हैं वो तो ऐसे हो गए जिनका कि कट ऑफ में आने का कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा, जो कोई भी चांस नहीं बन रहा। अभी ये जो कट ऑफ है जो हमारे 25% कैंडिडेट्स बच गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग बनेगी। और उसमें से जो आपके 480 कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, वो ऐसे हैं जो हमारे 480 कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे ऐसे हैं जो कि 817 में भी सिलेक्ट हुए हैं। अभी खुद देखिए, जो हमारे 25% बचा उसमें 480 जो कैंडिडेट्स हैं उनको अगर माइनस कर दिया जाए तो आप खुद देखिए क्या इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। दोस्तों आई होप आपको जो आंसर है वो मिल गया होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी बात अगर आपको फैक्ट के साथ बताई जाए तभी आप यहाँ पर यकीन करते हो। तो यहाँ पर सिर्फ 480 कैंडिडेट्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है और वो जो कैंडिडेट्स हैं 939 की जो कट ऑफ है उसको प्रभावित करें तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं इनके अकॉर्डिंग जो आपकी 939 की कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आपकी जनरल कैटेगरी है उसमें अगर आपके 60 नंबर बन रहे हैं, यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि ये जो कट ऑफ है वो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, इससे जो कम है वो एक आधा नंबर रह सकती है। मान लो कि 68 है,
तो यहाँ पे 60 की 58 भी रह सकते हैं, लेकिन 61 या 62 नहीं जाएगी। तो अगर आपके जर्नल में 58 टू 60 नंबर बन रहे हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग की जो तैयारी है वो अभी से शुरू करनी चाहिए। EWS में अगर आपके 58 नंबर हैं तब भी आपको यहाँ पे तैयारी जो है वो शुरू करनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों OBC की है 56, OBC BPL की है 53। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो OBC BPL के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो उनकी कट ऑफ है वो 50 के अराउंड पहुँच जाएगी। उसके अलावा दोस्तों जो SC कैटेगरी है उसमें भी जो हमारी कट ऑफ है वो 53 के अराउंड ही रहेगी। उसके अलावा SC BPL, तो SC BPL में दोस्तों अगर आपके 50 नंबर है, अगर आपके ST में 50 नंबर है तो आप यहाँ पर टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। उसी के जब आपकी टाइपिंग होगी उसी के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो 50 नंबर वाले कैंडिडेट्स हैं अगर वो ST या SC BPL से बिलोंग करते हैं, जब यहाँ तक जो आपके SC वाले कैंडिडेट्स भी हैं जिनके 50 नंबर बन रहे हैं, तो उनको दोस्तों आज से जो अपनी टाइपिंग की तैयारी है वो शुरू करनी चाहिए। और दोस्तों मैं आपको सीधी बात बता दूँ कि ये जो अगर JYT 817 का रिजल्ट आ जाता है तो उसका भी ये जो आपकी 939 की कट ऑफ है उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।